हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अमृता मिश्रा और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कंडेंस्ड मिल्क की रेसिपी की। कंडेंस्ड मिल्क हम कैसे घर ही पे बहुत ही आसानी के साथ बना सकते हैं। ये बनाना बहुत ही आसान होता है और इसके लिए बहुत ही बस केवल 3 बेसिक इंग्रेडिएंट्स लगते हैं। रेसिपी बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप मेरे वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। कंडेंस्ड मिल्क बनाने के लिए हमें लगेगा आधा लीटर 500 ml फुल क्रीम दूध, 100 ग्राम हमें लगेगा चीनी, 1/4 टेबल स्पून लगेगा बेकिंग सोडा। गैस पे हमने बर्तन चढ़ा दिया है, उसमें अब हम अपना दूध डाल देंगे। सबसे पहले दूध डाल देंगे और दूध को एक बॉयल आने देंगे। ये देखिए, हमने दूध डाल दिया है बर्तन में और इसको हम एक बॉयल आने का वेट करेंगे जब तक कि ये बॉयल ना आ जाए। आप कोशिश करें कि नॉन स्टिक बर्तन में आप बनाएं कंडेंस मिल्क, तो ये बहुत ही आसानी के साथ बन जाएगा। आप चाहें तो वैसे नॉर्मल बर्तन में भी बना सकते हैं, लेकिन नॉन स्टिक बर्तन में बनाएंगे तो बहुत ही आसानी के साथ आपका कंडेंस मिल्क बन के तैयार हो जाएगा। दूध में हमारा बॉयल आ चुका है। दूध में बॉयल आने के बाद ही हम अपनी शुगर डाल देंगे। शुगर को अच्छे से मेल्ट होने देंगे। ये रेशियो ट्राइड एंड टेस्टेड है। 500 ml दूध में आपको 100 ग्राम चीनी लेनी है और 1/4 टेबल स्पून आपको बेकिंग सोडा लेना है, तो आपका कंडेंस मिल्क बहुत ही अच्छा बनेगा। रिसेंटली मैंने कोकोनट लड्डू की रेसिपी अपलोड की थी, उसको मैंने कंडेंस मिल्क के साथ बनाया था, तो सबने मुझसे पूछा था कि कंडेंस मिल्क की रेसिपी बताएं, तो इसीलिए मैं आपको कंडेंस मिल्क की रेसिपी बता रही हूँ, जो कि बनाना बहुत ही ईजी होता है और घर पर हम बड़े आराम से इसको बना सकते हैं। अब हम इसको चीनी के घुलने देंगे। चीनी इसमें अच्छे से घुल चुकी है। अब इस स्टेज पे हम अपना बेकिंग सोडा डाल देंगे। बेकिंग सोडा डालने पे क्या होगा कि ये बहुत ही तेज़ी के साथ दूध ऊपर की तरफ आएगा, तो इससे क्या होता है, बेकिंग सोडा डालने का ये फ़ायदा होता है कि लम्स नहीं पड़ते हैं। ये देखिए कितनी तेज़ी के साथ ये दूध ऊपर आ रहा है। इसको अच्छे से स्टर करके गैस धीमा कर देंगे तो वो अपने आप नीचे चला जाएगा। बेकिंग सोडा डालने से क्या होता है, जो लम्स होते हैं दूध में वो नहीं पड़ेंगे और हमारा बहुत ही अच्छा चिकना कंडेंस्ड मिल्क बन के तैयार हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, इसको लगातार स्टर करते रहना है जब तक कि ये 1/3 ना हो जाए। ये जितना दूध हमने लिया था उसका 1/3 ना हो जाए गरम करते करते, तब तक हमें इसको अच्छे से स्टर करते रहना है। ये धीरे धीरे जो जितने बबल्स हैं ये धीरे धीरे अपने आप सेटल हो जाएंगे और फिर हमको इसको लगातार बस कंटिन्यूसली स्टर करना है जब तक कि ये 1/3 ना हो जाए। ये देखिए हमारा मिल्क रिड्यूस होके 1/3 हो चुका है। आपको इस पूरे प्रोसेस में ये देखना है, आपको कंटिन्यूसली स्टर करना है। कंटिन्यूसली स्टर नहीं करेंगे तो नीचे से दूध लगने लगेगा, इसीलिए इस प्रोसेस में आपको ये ध्यान देना है कि आपको कंटिन्यूसली स्टर करना पड़ेगा। ये देखिए ये 1/3 हो चुका है हमारा मिल्क। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी आपको ऐसे ही चेक करनी पड़ेगी। अभी जब ये थोड़ा ठंडा होगा तो थोड़ा ये और गाढ़ा होगा। ये देखिए ऐसे कैसे, ये थोड़ा ऐसे कैसे इसका गाढ़ा गाढ़ा ये निकल रहा है, यानी कि ये हमारा अच्छे से पक चुका है। अब हम अपनी गैस बंद कर देंगे और इसको एक बर्तन में निकाल देंगे ठंडा होने के लिए। ये देखिए हमारा कंडेंस मिल्क ठंडा हो चुका है। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी कितनी अच्छी हो गई है, एकदम जैसे कि बाज़ार के कंडेंस मिल्क की तरह। आप भी इसको घर में बना करके किसी भी जार में या बर्तन में एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख दीजिए और जब भी आपको कोई मिठाई बनानी हो, कोई हलवा बनाना हो या खीर को गाढ़ा करना हो, तब आप इसको डाल सकते हैं। आपकी स्वीट डिश बहुत ही टेस्टी बनेगी। देखिए कितनी आसान रेसिपी है, कितनी आसानी के साथ आप घर पे कंडेंस मिल्क बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी कंडेंस मिल्क की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ओके, बाय।